वह बिहारी जो क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति तक गाड़ा झंडा, वह बिहारी जो 1983 के विश्व कप विजेता टीम का था सदस्य, जिसे गली क्रिकेट खेलते हुए मुख्यमंत्री पिता से मार खानी पड़ी थी। बिहारी पे जोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिसने गेंद और बल्ले से तो कमाल किया ही, जब वह अपने पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए मैदान में उतरा तो यहाँ भी उसने कमाल कर दिया। इस क्रिकेट खिलाड़ी का करियर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपने छोटे से क्रिकेट करियर में इस खिलाड़ी ने लोगों के दिलों पर राज किया है। जब यह राजनीति में एक्टिव हुआ तो लोगों ने उन्हें यहाँ भी खूब पसंद किया। आज हम बात करने जा रहे हैं कीर्ति आजाद के बारे में। इनको राजनीतिक विरासत में मिली थी, इनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कीर्ति आजाद का जन्म 2 जनवरी 1959 को बिहार के पूर्णिया में हुआ था। कीर्ति अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि मैंने बचपन में अपने पिताजी से खूब मार खाई है। दिल्ली में पिता का आवास हो या फिर पटना के जमाल रोड पर नानी का घर हो, गली क्रिकेट खेलते हुए मैंने दूसरे के घरों की खिड़कियों के कांच और गमले खूब तोड़े हैं। ऐसा करने पर पिता से छड़ी से मार भी खाए हैं। उन्होंने बताया कि क्रिकेट के प्रति मेरा जुनून बचपन से था, इसमें माँ ने मेरा खूब साथ दिया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता न होते थे, माँ टूटे हुए गमलों को बदल दिया करती थी। माँ ने मुझे कभी भी क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया। इसी गली क्रिकेट से शुरू हुआ सफर दिल्ली के रणजी तक पहुंचा और वे रणजी टीम के कप्तान भी बने और आगे चलकर 1983 के विश्व कप विजेता का यानी कि विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे। कीर्ति आजाद ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 1976 से की थी। वे प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में दिल्ली की तरफ से खेलते थे। वे दिल्ली की टीम में एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। वे दिल्ली की रणजी टीम के कप्तान भी रहे। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 1980 में हुई थी। उस साल वे एक राइट हैंड बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज की हैसियत से टीम में शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में उन्होंने अपने एक दिवसीय क्रिकेट की शुरुआत की। तब भारतीय टीम के कप्तान सुनील गावस्कर हुआ करते थे। अपने पहले मैच में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। वनडे डेब्यू के एक साल के बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच भी खेला, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेला गया था। अपने पहले टेस्ट मैच में भी उनका कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। कीर्ति के करियर का सबसे बड़ा और अहम समय आया साल 1983 में, जब भारतीय टीम विश्व कप जीतने के लिए तैयार हो रही थी। पूरे विश्व कप में उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में कीर्ति ने घातक गेंदबाजी की थी और उस समय इंग्लैंड के जबरदस्त बल्लेबाज रहे यॉन बॉथन को उन्होंने खूब परेशान किया और आखिर में कीर्ति आजाद की गेंद पर वे बोल्ड भी हो गए। इसके बाद इंग्लैंड की टीम अपने आप को संभाल ना पाई और यह मैच इंग्लैंड हार गई। साल 1983 के विश्व कप के फाइनल में भी कीर्ति कुछ ज़्यादा ना कर सके, लेकिन भारत फाइनल जीत गया था और इस तरह से साल 1983 का विश्व कप भारत के नाम हो गया। हालांकि जब उनका चयन भारतीय टीम में हुआ था तो उस समय उनके नाम पर खूब क्रिटिक्स भी हुआ था। उसके कारण एक यही था कि उस समय जो है उनके पिताजी राजनीति में एक्टिव थे, केंद्र में मंत्री थे, बाद में बिहार सरकार यानी कि बिहार के भी मुख्यमंत्री रहे। कीर्ति आजाद अपने छोटे से करियर में 7 टेस्ट और 25 वनडे खेल चुके हैं। कीर्ति ने साल 1986 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। साल 1986 में उनका शादी पूनम के साथ हो गया। इसके बाद राजनीति में वे एक्टिव हो गए। कीर्ति आजाद के पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ वे केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। शुरुआत में वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे, लेकिन वे साल 1999 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। दरभंगा की इस सीट पर कभी अशरफ अली फातिमी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन कीर्ति के आने के बाद से बीजेपी ने दरभंगा में अपना खाता खोल दिया। एक तरह से कहें कि यह एक इतिहास रच दिया। इसके बाद कीर्ति आजाद लगातार इस सीट से जीतते रहे। साल 2004 को अगर हम छोड़ दें तो कीर्ति को यहाँ से हमेशा जीत मिली है। कीर्ति आजाद 1993 से 1996 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे, उसके बाद दरभंगा के सांसद रहे। साल 2009 तक कीर्ति आजाद यह चाहते थे कि वे दिल्ली की सियासत में एक्टिव रहे, लेकिन उस समय तक अरुण जेटली का खेमा वहाँ एक्टिव था, जो कि उन्हें दिल्ली में एक्टिव होने नहीं दे रहा था। ऐसे में उनका दिल्ली से टिकट कट गया। स्थिति यह थी कि कीर्ति का दरभंगा से भी टिकट कटने वाला था, लेकिन इसी बीच आडवाणी के आने से कीर्ति आजाद का टिकट बच गया। कीर्ति आजाद का अगर हम नाम लेंगे तो DDCA के साथ जरूर उनका नाम जुड़ता है। ऐसे में अब कहा जाता है कि उनके क्रिकेट करियर के संन्यास लेने के बाद कीर्ति DDCA के
इंटरेस्टेड थे यानी कि डीडीसीए में वे शामिल होना चाहते थे। अगर डीडीसीए पर लंबे समय से अरुण जेटली का प्रभाव था, ऐसे में कीर्ति ने डीडीसीए में होने वाली अनियमितताओं का मामला उठाना शुरू कर दिया। फिर साल 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया यानी कि उन्हें बीजेपी से बाहर कर दिया गया। इस समय तक कीर्ति आज़ाद और बिशन सिवेदी के साथ मिलकर डीडीसीए और बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे बदलाव की बात भी लगातार करते रहे थे। फिर कीर्ति ने साल 2018 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पारंपरिक सीट दरभंगा की मांग की। अब तक वे कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने दरभंगा की सीट कांग्रेस से मांगी थी, लेकिन उन्हें धनबाद की सीट दे दी गई। यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया और आखिरी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहते भर में मुझे काम नहीं दिया गया, दुखी होकर कांग्रेस छोड़ रहा हूं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। वर्तमान में कीर्ति आज़ाद टीएमसी के साथ हैं, लेकिन कीर्ति आज़ाद ने जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट से किया था, ठीक उसी तरह से राजनीति में भी एक्टिव रहे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, जिसके चलते उन्होंने अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ उन्होंने जाना तय किया। और वर्तमान में यानी कि जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक कीर्ति आज़ाद टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। चलते चलते आपसे एक सवाल कि कीर्ति आज़ाद को आप एक अच्छे क्रिकेटर या फिर अच्छे राजनेता के रूप में देखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।